अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लैपटॉप का, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने स्टार्ट कर रखा है। एक मिनट बस थोड़ा बहुत आपको पीछे से रिवाइज करवा दूं ताकि आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ सके। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है उनकी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर या प्राइस के बिना पर हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है। ये मेन क्लासिफिकेशन है जिसमें हम पर्सनल कंप्यूटर को पढ़े। तो पर्सनल कंप्यूटर में हमने देखा था कि ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ डिजाइन किए गए हैं कि एक पर्सन एट अ टाइम उन्हें उसे इस्तेमाल में ला सके, ऐसे कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इनमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की टाइप को देखा था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जिनके सारे कंपोनेंट एक डेस्क के ऊपर फिट कर दिए जाते हैं, उनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसकी टाइप में ऑल इन वन था जिसमें सिस्टम यूनिट और मॉनिटर कंबाइन होता है लेकिन फिट डेस्क पे किया जाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर को हमने पढ़ा था कि इसमें हमने पढ़ा था कि मैप को क्रिएट करने के लिए, देखने के लिए ये ज्यादातर ग्राफिक आर्टिस्ट इस्तेमाल में लाते हैं और इसके अलावा एनिमेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सर्वर कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनको कैरी करना बहुत ज्यादा आसान होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हमने ले जा सकते हैं। कैरी करना इसलिए आसान होता है क्योंकि इनके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं एक सिंगल यूनिट में या एक डिवाइस में। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है लैपटॉप। लैपटॉप एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर है। मोबाइल कंप्यूटर का मतलब यह है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं यानी इसको कैरी करना भी आसान है एक जगह से दूसरी जगह। कैरी करना आसान इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी कंपोनेंट है या जो भी इसकी डिवाइसेज हैं लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर की, वो सारी की सारी इंटीग्रेट हो जाती है एक सिंगल कंपैक्ट केस में। इसकी वजह से हम इसे कैरी करना आसान होता है। अब हम देखते हैं कि इधर इन्होंने किस तरह से इसे डिफाइन किया और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। तो लैपटॉप एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हुए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इसमें कीबोर्ड भी होगा, स्क्रीन भी होगा, अदर डिवाइसेस भी होगी जो कि इंटीग्रेट हो जाएगी एक सिंगल केस में। कीबोर्ड यानी हमारी एक इनपुट डिवाइस होगी, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस होगी। तो इसका मतलब जितने भी इसके कंपोनेंट है वो एक सिंगल कंपैक्ट केस में क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हुए होंगे। अब इसको डिजाइन इसलिए किया गया कि आप इसे लैब में अच्छी तरह से फिट कर सके यानी अपनी गोद में। इट यूज लेस पावर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कैन बी यूज आउटडोर विदाउट द नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट। अब यहाँ पर उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ। अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं मुसलसल इलेक्ट्रिकल पावर चाह रहे होते हैं लेकिन ये लेस पावर रिक्वायर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इन्हें विदाउट इलेक्ट्रिकल आउटलेट अपने घरों से बाहर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि लैपटॉप की होती है बैटरी, बैटरी को जब हम चार्ज कर लेते हैं तो वो कई घंटे हम उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट ही लेस पावर की है। तो लैपटॉप कंप्यूटर की बैटरी होगी जिसकी मदद से हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं चाहिए होगी लैपटॉप के लिए और हम इन्हें कई घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेम बेसिक फंक्शन एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही सेम फंक्शन हमारा लैपटॉप भी परफॉर्म कर देगा। अब इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है यानी एक लैपटॉप दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। सम लैपटॉप कम विद टच स्क्रीन। हमने डेस्कटॉप में भी ये पढ़ा था, ये सेम पॉइंट है कि लैपटॉप में भी टच स्क्रीन के साथ कुछ लैपटॉप है और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी कुछ जो कंप्यूटर है वो टच स्क्रीन के साथ है। ये आपका एमसीक्यूज है कि लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि आप डिफाइन करें लैपटॉप क्या है या आप लैपटॉप के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज लैपटॉप, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपने सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना और उसके बाद ये लिख देना है कि लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि आप पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में बताएं या फिर आ सकता है आप पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताएं। तो उसमें आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे और अपने इसको पोर्टेबल कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इनकी सिर्फ नाम लिख देंगे, लैपटॉप, टैबलेट, इस तरह से। ठीक है, ये आपने देखना, अपना टाइम भी देखना है कि एग्जाम के दौरान कितना टाइम है, उसके वाले से आप किस तरह से लिखना आपने पूरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अंदर आप कितना कितना लिख सकते हैं हर टॉपिक को, ये आपने टाइम के मुताबिक देखना है। ये ना हो कि आपके के बस ज्यादा लिखना है तो सिर्फ आप पर्सनल कंप्यूटर में अभी डेस्कटॉप को ही लिख के आ जाए और टाइम आपका खत्म हो जाए, या फिर आपने बहुत ही ज्यादा लिख दिया है एक ही चीज के बारे में। ठीक है, तो आपने हर चीज को मैनेज करके लिखना। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। तो अल्ट्राबुक जो है वो भी एक तरह का लैपटॉप है लेकिन इसमें ज्यादा फीचर आ जाते हैं और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया ये थिन है यानी पतला होगा, लाइट वेट होगा यानी इसका वजन कम होगा,
फीचर इसके सारे होंगे लैपटॉप वाले, इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगी और वीडियो कैपेबिलिटी भी। अब ये यूज कर रहा है सोलिड स्टेट ड्राइव्स को जो कि इसको बूस्ट अप कर देंगी बहुत ज्यादा तेजी से। अब सोलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है पहले मेरे को आपको समझ ना आ रहा हो, ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, फिलहाल इतना ही समझे। आगे हम जब पढ़ेंगे अगले वीडियोस में अगले चैप्टर्स को तो वहां पर आपको सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना समझे ये एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा बहुत तेजी से फास्टली काम करेगा, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। इट यूज वेरी लेस पावर एंड प्रोवाइड लॉन्गर बैटरी देन ट्रेडिशनल लैपटॉप। अब जो लैपटॉप है वो भी हमें बैटरी लाइफ उसकी होती है, वो भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई कितने घंटे चल सकते हैं, लेकिन लैपटॉप की निस्बत ये ज्यादा घंटे चलेगा, ये ज्यादा देर आपका काम कर सकेगा। इट डज नॉट हैव एनी ऑप्टिकल ड्राइव। अब जो ऑप्टिकल ड्राइव है ये भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती थी, अब भी होती है कुछ कंप्यूटर्स या लैपटॉप में, और इसमें जो डाटा है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा और इसके अलावा इसकी जो स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी। ये इस तरह से ऑप्टिकल ड्राइव है जैसे कि पहले सीडी होती थी, डीवीडी होती थी कोई मूवी वगैरह चलाने के लिए, तो वो जो डिस्क वगैरह होती थी उनको हम कहेंगे कि उनको वो वाली स्टोरेज डिवाइस को हम ऑप्टिकल ड्राइव में लाएंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा बुक, ये आपका एमसीक्यू है कि अल्ट्रा बुक की कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, या मैकबुक एयर किसकी एग्जाम्पल है, नीचे वो ऑप्शन दे देंगे, तो इस तरह से इसको आपने हाईलाइट कर लेना। उसके बाद हम नेटबुक को पढ़े तो ये भी स्मॉल है, लाइट वेट है और ये सस्ता भी है लैपटॉप कंप्यूटर, और ये ज्यादा बैटरी दे रहा है लैपटॉप के निस्बत। यहाँ पर ये कंपेरिजन इसका लैपटॉप के साथ कर रहा है, अल्ट्रा बुक के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। अल्ट्रा बुक इससे ज्यादा महंगा भी है और इससे ज्यादा फास्ट भी है, इससे ज्यादा अपनी स्पीड भी देगा, सब कुछ देगा नेटबुक से, लेकिन इन दोनों का कंपेरिजन सिर्फ लैपटॉप के साथ यहाँ पर किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, इट हैज बिल्ट इन वायरलेस कैपेबिलिटी एंड इट सूटेड फॉर जर्नल कंप्यूटिंग एंड वेब बेस्ड। अगर आपने जर्नल यानी आमतौर पर यूज करने के लिए कोई लैपटॉप लेना है तो नेटबुक बेस्ट रहेगा क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, लाइट वेट है, स्मॉल है, ये बता रहा है, ठीक है। वगैरह आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेमोरी और स्टोरेज है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने हाईलाइट कर लेना कि नेटबुक में क्या लिमिटेड है। अगर ये सस्ता भी हमें पड़ रहा है और हम इससे अपना जर्नल कंप्यूटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन सब कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं और ये स्मॉल भी है, लाइट वेट भी है, तो इसका कोई नुकसान भी तो होगा ना। तो इसका नुकसान ये है कि यहाँ पे जो मेमोरी है वो लिमिटेड होगी, स्टोरेज आप ज्यादा चीजें स्टोर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा सॉफ्टवेयर चला नहीं पाएंगे। इट प्रोवाइड रिड्यूस कंप्यूटिंग पावर एज कम्पेयर टू फुल साइज लैपटॉप कंप्यूटर, इट हैज नो ऑप्टिकल ड्राइव, यानी इसमें भी कोई ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होती। तो ये मेन चीजें थी जो मैंने आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ कि लैपटॉप क्या है। एक मोबाइल कंप्यूटर है, हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और कैरी करने के दौरान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके सारे कंपोनेंट एक सिंगल कम्पैक्ट केस में होंगे जिसकी वजह से हम इसे कैरी करना हमारे लिए आसान होगा। इसके अलावा इसकी होती है बैटरी जिसको हम चार्ज करेंगे और बाद में हमें कोई कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं चाहिएगी, बल्कि उन बैटरियों पर हम कई एक घंटे तक हम इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। अल्ट्रा बुक की बात करें, सोलिड स्टेट ड्राइव को यूज करेगा, ऑप्टिकल ड्राइव को यूज नहीं कर रहा होगा, तेज है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, महंगा है, सस्ता है, लाइट वेट है, सब कुछ है, लेकिन लिमिटेड मेमोरी है, स्टोरेज है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आई है तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।